कैसे हैं? ठीक ठाक। अरे कोई बात नहीं, कर लो, दो मिनट बात कर लो। अच्छा चेहरा मत दिखाना, चेहरा ना लिए भाई, चेहरा ना लिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चेहरा नहीं दिखाएंगे, सीधी सीधी एक बात बताओ। घर के बंदे, मैं बोल नहीं सकता किसी के। कोई बात नहीं, खिलाफ थोड़ी बोलना है, समर्थन में भी तो बोल सकते हो। मैं नहीं बोलूंगा, मेरी मजबूरी है। बोलेंगे नहीं, मजबूरी है, मजबूरी है। अच्छा चलो चेहरा दिखा दो भाई, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, मजबूरी है। चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद आपका। अच्छा लग रहे हो जोर सपोर्ट करना है? हाँ जी। काम धंधा कैसा है? काम धंधा ठीक है, बस चल रहा है जी। आज क्या लगता है मार्केट के अंदर किसकी हवा चल रही है? मार्केट के अंदर जी लगभग सभी अपना जोर लगा रहे हैं, बराबर का जोर है सबका। वो सबको पता है। हाँ, सभी बराबर। एक तरफ ही, एक तरफा माहौल किसका लग रहा है? एक तरफा माहौल अभी किसी का नहीं लग रहा है, वो टाइम ही और वक्त बताएगा कौन जीतेगा और कौन बनेगा। रिंकू को आप कितना मानते हो, कितने पानी में? देखो जी सब अपने है ना, बराबर की बढ़ चढ़ के मेहनत कर रहे हैं। आप कन्फ्यूज हो मेरे दोस्तों, चलो थैंक यू। अपन वो बंदा चाहिए जो सीधी बतावे। हाँ जी भाई साहब, क्या बात है, लीची तोलन लग रहा है, लीची देखो आप, क्या बात है। हाँ जी शाबाश भाई साहब, 10-15 पीस चाहिए भाई साहब को। आ जाओ, 10-15 पीस वाले भाई साहब से भी बातचीत कर लेते हैं। अरे कैसे हैं? ठीक ठाक। अरे कोई बात नहीं, कर लो, दो मिनट बात कर लो। अच्छा चेहरा मत दिखाना, चेहरा ना लिए भाई, चेहरा ना लिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चेहरा नहीं दिखाएंगे, सीधी सीधी एक बात बताओ। घर के बंदे, मैं बोल नहीं सकता किसी के। कोई बात नहीं, खिलाफ थोड़ी बोलना है, समर्थन में भी तो बोल सकते हो। मैं नहीं बोलूंगा, मेरी मजबूरी। बोलेंगे नहीं, मजबूरी है, मजबूरी है। अच्छा चलो चेहरा दिखा दो भाई, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, मजबूरी है। चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद आपका। और इधर देखो, एक भाई साहब और लगे हुए हैं। हाँ जी भाई साहब, कैसे हैं? बढ़िया जी। क्या लगता है शहर के अंदर माहौल किसका? माहौल जी कौन जीतेगा? परवीन इलाहाबादी का जी। परवीन जीतेगा? हाँ जी। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पर रिंकू सैनी जी। रिंकू। तीसरा पे? तीसरा पे जी हाथ का निशान वाला। हाथ का निशान वाला तो रिंकू है भाई। हाँ बस जी। तीसरा पे कुकर पे चाहती है लगता, दूसरा पे बता। दूसरा पे जी। दूसरा पे। तीसरा पे कौन? तीसरे पे देखो जी कौन आओ जी। पहले पे तो परवीन इलाहाबादी की आवाज। परवीन पहले पे कुकर पहुंचा दिया, क्या खास? सारे यहाँ बता रहे हैं जी परवीन की जी। अच्छा आपको क्या लगता है? ये परवीन बता रहे हैं जी। आम आदमी पार्टी भी है टक्कर में? आम आदमी भी है जी, बहुत है। आप आम आदमी हो, खास हो? आम आदमी हाँ जी हम भी। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ, क्या बात है। हाँ जी। ओ भाई साहब, राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या लगता है आज सिवे कौन सा माहौल है? बढ़िया है सर, बढ़िया। कौन रेड मारेगा, कौन जीतेगा? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं है ना। दंगल में तो सारे उतर लिए। उतर लिए। ईमानदार कौन है? ईमानदार जो अच्छा काम करेगा वही है। आप ईमानदार किसको मानते हैं? हम तो ईमानदार जो ये रोड बिजली पानी देगा उसी को मानते हैं। अच्छा बिजली पानी तो सारे दे देंगे, ईमानदार का जिक्र कर ना। रोज आना चाहिए, ये तो कभी हफ्ते में आता नहीं। अच्छा ये बात है। देखो रोड सारा टूटी पड़ी है। इसको विकास बोलते हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते, एक नंबर का विकास है, एक नंबर का। ये देखो भाई साहब कैसे हैं, ठीक ठाक। छोटा सा सवाल भाई साहब, क्या लगता है हंसी के अंदर कौन बंदा रेड मारेगा? थोड़ा सा इधर हो जाओ, देखो कैमरा उधर है, जनता आपको देख पा रही है। अभी कुछ नहीं कह सकते सर, कुछ नहीं कह सकते। फिर भी भाई पहले नंबर पे आपको कौन लगता है? कौन? हाँ जी पहले नंबर पे। पहले नंबर पे तो को कहता है, मैं हूँ पहले नंबर पे, कोई कहता है मैं सर्वे सारे करते हैं मार्केट के अंदर, सब रहते हैं यार, दोस्तों से बात सबकी होती है यार, तू किसको देगा, कौन सा बंदा बढ़िया है, क्या लगता है? कुछ नहीं कह सकते सर अभी। अरे कह दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात कुछ नहीं कह सकते। सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड पे कुछ नहीं कह सकते, मैं कह रहा हूँ अभी अभी नहीं कह सकते। क्या बात है भाजी, राम राम। ठीक है भाई, हाँसी में चुनाव आ चुका है, क्या लगता है कौन बंदा आगे है? प्रवीण है भाई, चेयरमैन में तो दूसरे नंबर में दूसरा होगा, पता नहीं पहले पे प्रवीण है चेयरमैन। प्रवीण इलाहाबादी, प्रवीण इलाहाबादी। क्या खास बात क्या है? बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, नेचर बहुत बढ़िया है उसका। हाँ जी भाई साहब, हाँसी के अंदर चुनाव आने वाला, क्या मानते हैं कौन आगे है? प्रवीण बनना चाहिए। हाँ जी छोटे, तेरा वोट नहीं बना फिर भी बता दे, कोई बात नहीं। प्रवीण हाँसी में चुनाव में कौन आगे है? वो है केजरीवाल। केजरीवाल। राम राम अंकल जी। राम राम जी। हाँसी में चुनाव आ चुका है, क्या लगता है कौन बंदा ईमानदार है और आगे कौन है? आगे कौन है? मैं आपको सही बता रहा हूँ, बता दो। मैं तो वोट दूंगा प्रवीण इलाहाबादी को। प्रवीण इलाहाबादी। और दूसरे नंबर पे? वो सेठी है। सेठी है। तीसरे पे? उसका नहीं पता। पता नहीं है।
ये देखो महिला शक्ति साथ में मौजूद है। माता जी आपको क्या लगता है कौन बंदा सही है? माता जी की बात सही है, बंदा सही है। सबसे पहले अलाहाबादी है, अलाहाबादी है। हाँ। दूसरे नंबर पे सेठी है। तीसरे पे? तीसरे पे अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी तो यही टक्कर में है। दो ही है? हाँ जी। और रिंकू सैनी अभी नहीं है? नहीं अभी नहीं है। और आम आदमी पार्टी जो अपने आप को बहुत आम बताती है? हाँ थोड़े चांस हैं उसके भी। उसके भी है? हाँ। थैंक यू। और देखो भाई लंबा चलेंगे थोड़ा सा, आ जाओ। ये देखो ये भाई इधर फिर खड़े हैं, कैसे हो मेरे भाई? ठीक ठाक। हाँ ठीक है भाई। एक बात बताइए सीधी सीधी बात, क्या लगता है कौन आदमी हासी में आ गए? अभी कोई भी सुनाई नहीं किसी की भी। किसी की भी नहीं है? जी भाई साहब आपको क्या लगता है कौन व्यक्ति इस हाथी के अंदर इस पूरे दंगल को रोकेगा? क्या लगता है भाई साहब कौन आदमी? भाई साहब आप भी तो मैंने तो पता हूँ, देखो मैं तो ना भाई साहब हाथी में चेयरमैन निगा चुनाव, क्या लगता है कौन आगे है? भाई साहब अभी देखते हैं क्या होता है, बाकी रिंकू सैनी साहब तो हमारे साथ हैं। अच्छा रिंकू सैनी साहब आपके साथ है या आप उनके साथ? हम उनके साथ। अच्छा ओके भाई साहब सारे आगे आपको क्या लगता है? अभी नहीं बोलेंगे। तो ये थे कुछ, ओहो ये थे कुछ हाथी के रुझान के साहब कौन आगे। यहाँ पे फिलहाल सबसे पहला नाम किसका निकल के आया है? प्रवीण का। दूसरा नाम जो है वो कहीं ना कहीं पर मदन सेठी यानी कि उनकी जो वाइफ है नीनू सेठी का। और तीसरा नाम जो है वो आ रहा है रिंकू सैनी का। हम लोग कहीं और नहीं हाथी की सब्जी मंडी के अंदर मौजूद हैं, जहां पर पूरे शहर के एरिए का व्यक्ति आता है। आपका क्या मानना है दीजिए कमेंट सेक्शन में जवाब। देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।